हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ अल्टोन कंपनी की ओर से आने वाला अल्टोन फ्लेक्सिबल टैब के बारे में, जिसे मैं लास्ट 6 मंथ से यूज कर रहा हूँ। 6 मंथ बाद में इसका क्या कंडीशन है, क्या प्रॉपरली वर्क कर रहा है भी कि नहीं, क्या इसका फ्लेक्सिबल प्रॉपर है भी कि नहीं, या फिर ये बैंड हो जाता है, या फिर इसका जो ये पानी वगैरह का ये प्रॉपर है भी कि नहीं, या फिर इधर से जो कनेक्शन है वो प्रॉपर है भी कि नहीं, या फिर इसे इंस्टॉल करते टाइम पे आपको क्या चीज ध्यान रखना है, वो सारी चीजें मैं आपको इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ। तो आप भी सोचोगे अच्छा सा फ्लेक्सिबल सिंक टैब परचेस करने के लिए आपका बजट अराउंड 800 रुपीज के करीब है, तो ये मैंने अमेजोन से परचेस किया 899 का। अमेजन पे डिफरेंट डिफरेंट सेलर है, सेम मिसिंग टाइप कोई 1200 1300 का सेल कर रहा है, जो बेस्ट सेलर है उसका लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। जब मैंने परचेस किया ऑफर भी चालू था, तो हो सके आपको भी कम प्राइस में मिल जाए, आप एक बार डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, प्राइस अप एंड डाउन भी होते रहता है। और ये वीडियो आप 2022 या फिर 2023 में देख रहे हो, 6 मंथ में हमारे टाइप के सिंक टाइप अपडेट होते रहते हैं। जो लेटेस्ट वाले फ्लेक्सिबल सिंक टाइप रहेगी उसकी लिंक भी आपको मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप एक बार डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लेना। तो सबसे पहले क्वालिटी की बात करें तो आपको 100% ब्रास देखने को मिल जाता है, तो इसके कारण इसके ऊपर कोई भी रस्ट वगैरह नहीं लगेगा, जंग वगैरह नहीं लगेगा। और आप देख सकते हो 6 मंथ बाद में इसका कंडीशन एकदम नया का नया जैसा, ये भी आपको ब्रास का देखने को मिलेगा। और बॉक्स के अंदर आपको ये टैप आएगा, टेप्लोन टेप नहीं आएगा, तो वो आपको सेपरेटली परचेस करना पड़ेगा। और इंस्टॉलेशन करते टाइम पे सबसे पहले आपको ये वाला ओपन कर लेना है, ये ओपन करने के बाद में फिर इसे आपको टाइट कर देना है, टाइट करने के बाद में ये आपको ऊपर से इस तरह टाइट कर देना है, तो आपका इंस्टॉल हो जाएगा। आपके पास जैसे कि ऑलरेडी कोई इस टाइप का सिंक टैप लगा हुआ है, इसे आप रिमूव करके लगाओगे तो आपको सारे इक्विपमेंट की जरूरत पड़ेगी, जैसे पिलार, पक्कड़, पाने, तो सारे है तो आप खुद से इंस्टॉल कर सकते हो। और वो सारे आपके पास नहीं है तो आप कोई भी प्लम्बर को बोल के इंस्टॉल करा सकते हो। इंस्टॉल कराना बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, और इंस्टॉल खुद से कर रहे हो तो आप ये चीज याद रखिए, इसके एंड पॉइंट पे आपको टेफ्लॉन टेप लगाना है इस तरह। और मैं आपको कंपैरिजन करके भी दिखा दूंगा इसमें और इसमें क्या बेनिफिट है। और इंडिया में जैसे कि आपको वाटर कनेक्शन, जो कि पीने का पानी, अधिकतर लोगों के घर में आपने देखा रहेगा जो सिंक टैप रहता है, इधर ही पीने का पानी आता है, म्यूनसिपालिटी का हो गया या फिर खुद का ट्यूबवेल का कनेक्शन कराते हैं, क्योंकि सिंक टैप के इधर पीने का जो कि मटका वगैरह सर्व वगैरह इधर ही पास में रहता है, तो इसे फिल करना बहुत ही सिंपल और ईजी हो जाता है। तो दो कनेक्शन रहता है अधिकतर घरों में, आपने यही टाइप के कनेक्शन देखे रहेगा, एक तो टंकी का पानी रहेगा जिसके कारण जो कि इस टैप के थ्रू बर्तन वगैरह वॉश होगा, और एक जब पीने का पानी आता है तो म्यूनसिपालिटी का पानी आ रहा है, फिर ट्यूबवेल का कनेक्शन कराया, जब भी चालू करोगे तो इसके थ्रू आप वाटर फिल करोगे अपने सरू में, मटके में, घड़े में, जिसमें भी फिल करो बॉटल वगैरह में। सो इधर पहले मेरा जो कि इस टाइप का सिंक टैप इधर लगा हुआ था, पर उसका डिसएडवांटेज क्या था, तो जैसे कि मेरे घर पे मॉर्निंग में 8 बजे पीने का पानी आता है, तो इधर जो कि ये सरू हो गए, ये मटके हो गए इस टाइप के, तो पहले इस तरह पकड़ के होल्ड करके जो कि है ना पानी भरना पड़ता है, क्योंकि ये वाला फ्लेक्सिबल तो है नहीं, तो इस टाइप का इधर था तो होल्ड करना पड़ता था, और जो कि है ना काफी देर तक, मतलब 2-3 मिनट तक होल्ड करना पड़ता था, तो उसके कारण हाथ वगैरह में पेन भी होने लग जाते। और इधर जो कि है ना सिंक के अंदर पूरे बर्तन फिल रहते थे, तो बाद में ये वाला जो कि सरू, ये वाला सरू इसके नीचे आता भी नहीं था, क्योंकि नीचे बर्तन अटकते थे, तो सारे बर्तन को रिमूव करना पड़ता था, उसके कारण जो कि हमारा टाइम बहुत ज्यादा वेस्ट होता था, ऊपर से होल्ड करना पड़ता था, और जो कि कोई बड़े रह गए वही पानी भर पाते थे, कोई बच्चे वगैरह तो वो नहीं भर पाएंगे, क्योंकि इनके हाथ में तो ताकत रहेगा नहीं इतने बड़े बड़े सरू होल्ड करने का, तो वो चीज आपको इसमें डिसएडवांटेज देखने को मिल जाती है। तो ये लगाने के बाद में काम बहुत ही ज्यादा सिंपल और ईजी हो गया। तो अब ये फ्लेक्सिबल होने के कारण जो कि इस तरह करने के बाद में फिर हमें इधर जो कि शुरू हो गया, मटके हो गया, जो भी इधर आराम से रख दे, तो रखने के बाद में आराम से वाटर फिल हो जाता है, और कोई भी बच्चा है, कोई भी बड़े बुजुर्ग है, इन लोग भी आराम से पानी भर सकते हैं। इस तरह ये फ्लेक्सिबल देखने को मिलता है, जिसके कारण काम बहुत ही ज्यादा ईजी और सिंपल हो जाता है। और इसे जो डायरेक्शन में चाहे वो डायरेक्शन में आप टर्न कर सकते हो, रोटेट कर सकते हो, बीच में रखना है बीच में भी आप रख सकते हो, राउंड करना। और इसके अंदर ये चीज भी आपको एडवांटेज देखने को मिलता है, आपको है ना जो कि इसका साइज आपको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जैसे कि काफी लोग के जो सिंक के ऊपर पत्थर वगैरह भी रहते हैं, तो वहां मटके सरू या कोई भी बर्तन वगैरह रखते हैं वो, तो इधर देख सकते हो मेरा भी इस टाइप का पत्थर है, तो जो कि मुझे साइज जो कि मेजर करने की जरूरत नहीं पड़े कितना साइज का लू, ये फ्लेक्सिबल है, तो आराम से जिस हिसाब से मुझे टर्न करना, इतना आप अपने हिसाब से भी टर्न कर सकते हो। आपका 5 इंच का भी गैप है तो भी आप ये वाला सिंक टैप लोगे तो भी आपके लिए बेहतरीन है। और इसकी जो कि लेंथ की बात करें, इधर से लेके ये इधर तक आपको अराउंड देखने को मिलता है 16 इंच के करीब, तो काफी अच्छी खासी लेंथ देखने को मिल जाती है। और आपको इनकेस बॉटल हो गया या फिर बाल्टी हो गई या फिर बकेट हो गया, इमरजेंसी में आपको फिल करना हो गया, तो वो भी आप आराम से इधर फिल कर सकते हो, एज कम्पेयर टू पहले बकेट बाल्टी वगैरह सारे इसके नीचे इस तरह रखना पड़ता, तो इसे पकड़ के रखना पड़ता, होल्ड करके रखना पड़ता, जिसमें हाथ में प्रेशर आता था, हाथ वगैरह पेन भी करने लग जाता है, और जिसको ज्यादा मात्रा में रोज पानी भरना पड़ता है, तो इनके लिए तो बहुत ही ज्यादा फ्लेक्सिबल और यूजेबल ये देखने को मिल जाता है। और एक बार आप ये कनेक्ट करने के बाद में यूज करोगे, विद इन 1 वीक में आपको बहुत ही ज्यादा डिफरेंट देखने को मिल जाएगा, और इसके अंदर आपको 7 ईयर की कंप्लीट वारंटी देखने को मिल जाती है, और कुछ भी प्रॉब्लम वगैरह आता है आराम से आप वारंटी वगैरह क्लेम कर सकते हो। और इसके इनर मटेरियल आपको ब्रास देखने को मिलेगा, काफी लोगों को लगेगा बस ये रबड़ का ट्यूब है, ये ऊपर नीचे हो रहा है, पर नहीं, ये ऊपर रबड़ का कोटिंग है, इसके अंदर आपको ब्रास यूज किया गया है, इसके कारण और भी बेहतरीन, काफी ज्यादा हैवी भी है, जब आप इसे परचेस करोगे तो आपको ये देखने को मिल जाएगा। और इनकेस आपको अच्छा नहीं लगता तो आपको ऑनलाइन पे रिटर्न पॉलिसी भी काफी अच्छी खासी देखने को मिल जाती है, तो आप अमेजोन से परचेस करो तो आराम से रिटर्न भी कर सकते हो। आफ्टर 7-8 मंथ बाद में मुझे कोई भी इश्यू या प्रॉब्लम अभी तक देखने को नहीं मिला, सारी चीजें प्रॉपरली वर्क कर रही है। सो ऑलमोस्ट इस सिंक टैप के बारे में सभी चीज डिटेल में बता दिया, कुछ भी डाउट रहेगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। ये मैंने अमेजोन से परचेस किया था 899 का, अमेजोन पे डिफरेंट डिफरेंट सेलर है, सेम सिंक टैप का 999 1099 का सेल
सेल कर रहा है जो बेस्ट सेलर रहेगा, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जब मैंने परचेज किया ऑफर भी चालू था तो हो सके आपको भी कम प्राइस में मिल जाए, आप एक बार डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना। और इसी टाइप के फ्लेक्सिबल सिंक टाइप जो कि डबल वाल वाले भी आते हैं, तो जैसे कि है ना ये वाला, जैसे ये मेरा दूर दूर लगा हुआ है, तो ये वाला जो कि है ना कभी कभार वो टंकी का पानी और पीने का पानी एक ही जगह आता है, तो बगल में ही जो कि होल रहते हैं, तो वहाँ जो कि काफी लोग डबल सिंक टैप लगा देते हैं, पर डबल सिंक टैप लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। डबल वाल वाले सिंक टैप भी आते हैं जो कि सिंगल ये रहेगा, इस साइड में एक वाल रहेगा, इस साइड में एक वाल रहेगा, तो जब पीने का पानी आएगा तो ये वाला चालू करना है, ये वाला बंद करना है, दैट्स इट। आपका जो कि पीने का पानी आप भर लोगे और आराम से उसके बाद में फिर आपको ये वाला बंद करना है, ये वाला चालू करना है, जब भी आपको टंकी का पानी आएगा तो वो आप टंकी का पानी से बर्तन वगैरह वॉश कर लोगे। स्पेस भी काफी कम यूज होगा और काफी अच्छा और यूनिक भी लगेगा, और इसे आप हॉट और कोल्ड वाटर के लिए भी यूज कर सकते हो। सो इसके लिंक भी आपको मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप देखना चाहते हो तो जरूर देख लेना। तो आपको ये वीडियो अच्छा लगा रहेगा, वीडियो अच्छा लगा जाता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, ऐसे और भी इंटरेस्टिंग वीडियो चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।